नमस्कार दोस्तों, आज ये दुनिया आज मोटापे से जंग लड़ रही है। कोई जिम में कसरत कर रहा है, कोई घर पर योगा कर रहा है, कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई सिर्फ पानी पर जिंदगी गुजार रहा है। तमाम तरह के उपाय करने के बावजूद भी ये मोटापा कम नहीं होता। कोशिशें बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन ये मोटापा घटने की बजाय बढ़ता चला जाता है। हर कोई चाहता है कि वो मोटापे से मुक्ति पाए, क्योंकि मोटापा बीमारियों की जड़ है। मोटापा जिंदगी की कई परेशानियों की जड़ है। सबकी चाहत होती है कि वो अच्छा धरा दिखे, वो फिट दिखे, वो स्मार्ट दिखे, वो ब्यूटीफुल दिखे, लेकिन ये मोटापा सब पर पानी फेर देता है। मोटापा खूबसूरती तो बिगाड़ता ही है, सेहत भी बिगाड़ देता है। आखिर कैसे इस मोटापे से मुक्ति पाई जाए? क्योंकि मोटापे से मुक्ति के लिए जितने भी उपाय करो, जितने भी जतन करो, कोई काम नहीं आता। कहीं तो कोई ऐसी गड़बड़ है जो मोटापे से मुक्ति के प्रयासों पर पानी फेर रही है। सारी कोशिशें नाकाम हो रही है, यानी कोई ऐसी वजह है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे, जिसे हम जान नहीं पा रहे, और जिसकी वजह से ये जो सारी कोशिशें हैं, ये जो तमाम टिप्स हैं, ये जो तमाम प्रयास हैं, वो औंधे मुंह गिर जाते हैं। आखिर वो वजह क्या है जिसकी वजह से मोटापे से जंग कामयाब नहीं होती? दोस्तों, आप कितने ही उपाय कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तैयार नहीं होगा, तब तक आप वजन कम नहीं कर पाएंगे। दरअसल आप कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जड़ पर प्रहार नहीं कर रहे। हम सोचते हैं मोटापा हमारे खान पान और बिगड़ी आदतों का नतीजा है, और हम इन आदतों को सुधार कर पतला होना चाहते हैं। सिम एंड ट्रिम बनने के लिए आपके उपाय सफल नहीं हो सकते जब तक आपके शरीर और दिमाग में जंग चलती रहेगी। आप दुबले होने के लिए कोशिशें करते रहेंगे, लेकिन आपका दिमाग इन्हें फेल करता रहेगा। आपने और आपके आसपास के लोगों ने आपके दिमाग को मोटा होने के लिए प्रोग्राम कर रखा है। दिमाग में मोटापा फीड है, तो शरीर दुबला कैसे होगा? स्वसम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस, स्वसंकेत, ऑटो सजेशंस, हिप्नोसिस इंस्ट्रक्शंस, हिप्नोथेरेपी स्क्रिप्ट, इमेजिनेशन पावर टूल्स, कल्पना शक्ति उपकरण के जरिए ही दिमाग को मनचाहे आकार और वजन के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। जब तक आप अपने दिमाग को दुबले होने के लिए राजी नहीं कर लेते, तब तक मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकता। और जब दिमाग तैयार हो जाएगा, जब दिमाग इस बात के लिए राजी हो जाएगा कि उसे दुबला होना है, तो फिर आपको कोई उपाय करने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। आपको किताबें पढ़ने या YouTube पर ऐसे प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है जो दुबला होने के राज बताते हैं। आपका दिमाग अपने आप ही ऐसी आदतें अपनाने के लिए मजबूर कर देगा जिनकी बदौलत आप दुबला हो पाएंगे। सवाल यह पैदा होता है कि मोटे तो हम अपनी आदतों की वजह से हुए। हमने खूब खाया, खूब सोया, फिर दिमाग जिम्मेदार कैसे? खाया हमने और दोष दे दिमाग को, और यह भी ठीक, लेकिन बिना आदतों में सुधार किए दिमाग हमें कैसे पतला कर देगा? दरअसल आप ज्यादा खाने के कारण मोटे नहीं हुए। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपसे ज्यादा खाते हैं, लेकिन सूखे हैं, दुबले पतले हैं। वे खाते चले जाते हैं, लेकिन मोटे नहीं होते। आप भूखे रहते हैं, लेकिन पतले नहीं होते। बड़ी अजीब बात है, हम मोटे क्यों हो जाते हैं? हमारे घर में कोई मोटा हो तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि हमारी हेरिडिटी ही मोटापे वाली है, हमारे जीन्स में मोटापा है। हम मोटापे के बारे में सुनते हैं, हम टीवी अखबार में किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं, गर्भावस्था के दौरान मोटापे से जुड़ी बातें सुन लेते हैं, कुछ खाते हैं तो कोई हमसे कह देता है मोटे हो जाओगे, हम विज्ञापनों में पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, ज्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे, ज्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे। सच तो यह है कि हम तब तक मोटे नहीं हो सकते जब तक हमारा दिमाग हमें मोटे होने की अनुमति ना दे। जब तक हमारा दिमाग
हमारे छरहरे होने और दुबलेपन की स्क्रिप्ट को बदलकर मोटापे की स्क्रिप्ट को इंस्टॉल न कर दे। जब तक हमारे दिमाग उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने से रोके रखता है, तब तक हम दुबले ही बने रहते हैं। भले ही हम कितना खाएं, कितनी ही ऐसी आदतों को अपनाएं जो आदतें मोटा करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, लेकिन दिमाग का गेटवे यदि एक बार मोटापे के विचार ने पार कर लिया, तो फिर हम थोड़ा भी खाएंगे तो मोटा ही होते चले। दिमाग बचपन में इतना सजग, इतना एक्टिव नहीं होता कि वो शरीर को मोटे होने से रोक दे। जब दिमाग बार बार मोटापे से जुड़ी बातें सुनता है, देखता है, तो वो अनायास ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। बस यहीं से हो जाती है दिमाग की मोटापे की प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग। अब मोटापा दिमाग से चिपक गया, मोटापे का वायरस दिमाग के अवचेतन मस्तिष्क में इंस्टॉल हो गया, फिर तो वायरस मोटापे के विचार से और शक्तिशाली होता जाता है। फिर तो ये वायरस मोटापे के विचार से और शक्तिशाली होता जाता है। खुद ने सोचा मैं मोटा हो रहा हूं, इस वायरस को, इस कीड़े को खुराक मिली। किसी ने कहा यार बहुत मोटे हो रहे हो, दिमाग के इस वायरस को फिर खुराक मिली, ये फिर तंदुरुस्त हुआ। इसे तंदुरुस्ती के लिए विचार की खुराक चाहिए। इसके साथ ही आदमी की ज्यादा खाने की आदत, आराम तलब जीवन शैली इसे आनंद देने लगती है। ये बग, ये वायरस दिमाग को कैप्चर कर लेता है और दिमाग से शरीर को वो सब काम करने के लिए बार बार करने को कहता है जिससे मोटापा बढ़े। जब आप सचेत होते हैं कि आप मोटे होने लगे हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि मोटापे वाला ये वायरस आपके दिमाग में इस तरह घर कर जाता है कि ये आपको दुबला नहीं होने देता। फिर तो आप कम खाएं या ज्यादा खाएं, ये वायरस दुबला होने के लिए आपके शरीर को अनुमति देने ही नहीं देता। और जब तक आपके शरीर को अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक आपके दिमाग से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, तब तक आपका शरीर दुबला होने के लिए शुरुआत नहीं करेगा। जिस तरह वर्म्स शरीर को पनपने नहीं देते, उसी तरह मोटापे का ये वायरस आपको दुबला होने नहीं देता। क्या आप जानते हैं कि इस बग को आप घर पर ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं? आपकी अपनी कोशिशें ही इसे परमानेंटली डिलीट या रिमूव कर सकती हैं। आप इतना जानकर सोच सकते हैं कि मुझे तो दुबला होने की चाबी मिल गई, इतना आसान भी नहीं है। जिस वायरस को आपने इंस्टॉल किया है, वो सोचने भर से नहीं हट सकता। आपको हैरत होगी ये जानकर कि आपने जिस वायरस को इंस्टॉल किया है, उसे औसतन 1.5 लाख बार उसके मनपसंद शब्दों विचारों से पोषण दिया गया है। यानी दिमाग के इस बग को यदि हमने 1.5 लाख बार मोटापे या इसके समानार्थी शब्दों और चित्रों से पोषित किया है, तो हमें इसे अनइंस्टॉल करने के लिए इसके विरोधी वाक्यों और शब्दों से लगातार इसे डीएक्टिवेट करने की कोशिश करना होगा। यानी इसे इतनी ही बार दुबलेपन और इससे जुड़े चित्रों कल्पनाओं से डीएक्टिवेट करना होगा। आपने अपने मोटापे को कितनी बार आईने में देखा? आपने अपने मोटापे को लेकर कितने चित्र अपने दिमाग में बनाए हैं? तो समझ लीजिए, आपको उससे ज्यादा बार खुद को दुबला कहना होगा, उससे ज्यादा बार खुद को आपको छरहरा और फिट कहना होगा। आप जिम जाते हैं, खुद को मोटा देखते हैं, आपसे आपके मिलने वाले क्या कहते हैं? मोटा कि दुबला? मोटा ही कहेंगे। आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको दुबला कहे। मोटापा, वजन, फैट, ओबेसिटी, वेट, इन शब्दों से छुटकारा कैसे? क्योंकि लॉस के साथ वेट लिखा होता है, कम करने के साथ वजन जुड़ा है। वजन कम करें, मोटापा कम कर रहा हूं, मैं बहुत मोटा हूं, मेरा वजन बढ़ रहा है, क्या करूं, वजन कम ही नहीं होता। दिन भर जो भी कहते हैं, सुनते हैं, उनमें मोटापा, वजन तो होता ही है, लेकिन अनजाने में ये वायरस इन शब्दों से एनर्जी ले लेता है। यदि हम खुद को दुबला कहें, दुबलेपन पर फोकस करें, तब भी इतनी बार करना होगा जितनी बार आपने 25, 30, 40 साल में मोटापे से जुड़े हुए शब्द कहे। फिर कठिनाई, उलझ गए, इतनी बार खुद को दुबला कहें, फिर कठिनाई पैदा हो गई।
इतनी बार यदि हम खुद को दुबला कहें, इतनी बार जितनी बार हमने खुद को मोटा कहा है, हम इमेजिन करें कि हम दुबले हैं, ऐसे में तो उम्र ही निकल जाएगी। ऐसे में सेल्फ हिप्नोसिस की आधुनिक तकनीकें वरदान बनकर आई है। आपको इससे जुड़े कई ऑडियो वीडियो टूल मिल जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह परिपक्व नहीं होते। कई बार लोग भी आधी अधूरी जानकारी के साथ इन्हें उपयोग करते हैं और उससे उन्हें पूरे रिजल्ट नहीं मिलते। आप विश्वास करें न करें, लेकिन आत्मसम्मोहन और स्वसम्मोहन की आधुनिक विधियां आदर्श वजन पाने के लिए, छहरा बनने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, फिट व तंदुरुस्त रहने के लिए विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्म का सम्मिलित वरदान है। आप इनसे न सिर्फ छहरा और आदर्श वजन पा सकते हैं, बल्कि अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करके, अपने दिमाग से अनावश्यक वायरस को हटाकर आप अच्छा स्वास्थ्य भी हासिल कर सकते हैं। अब आपको ये वायरस हटाने के लिए बहुत समय देने की जरूरत नहीं। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा इस तकनीक के बारे में पहले से जानती थी। याद है आपको, एक शब्द भी आप नकारात्मक बोलते थे तो आपको टोक दिया जाता था, शुभ शुभ बोलो भैया। हमारे पूर्वज अवचेतन मन की शक्ति से वाकिफ थे। घर से जाते वक्त भी हम कहते थे आता हूं, जाता हूं नहीं कहते थे, आते हैं कहते थे। हमारे वेद मंत्र और प्रार्थनाएं भी इसी सिद्धांत पर बने हैं। आपको कई बार कल्पना शक्ति के बारे में बताया गया होगा। कल्पना की शक्ति मस्तिष्क की ही शक्ति है। मस्तिष्क की शक्ति को भारतीय दर्शन जानता था और इसके बारे में कई मनीषियों ने बताया, लेकिन उन सूत्रों को हमने कम समझा। तो आइए इन विचारों को, इन सिद्धांतों को, इन सूत्रों को हम अपनाएं और अपनी जिंदगी में आदर्श वजन, फिटनेस, स्वास्थ्य हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाएं। ऑटो सजेशन से फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट इमाइल क्यू ने हजारों मरीजों को ठीक किया, लाखों लोगों का जीवन बदला। ये 1880 की बात रही होगी। उन्होंने इस तकनीक पर सबसे पहली किताब लिखी, सेल्फ मास्टरी थ्रू कॉन्शियस ऑटो सजेशंस। दोस्तों, हमने भी ऐसे ऑटो सजेशंस, सेल्फ हिप्नोसिस और अन्य विधियों के सम्मिलन से ऑडियो टूल्स आपके सामने रखे हैं, जिनसे आपको न सिर्फ आदर्श स्वास्थ्य, आदर्श वजन मिलेगा, बल्कि आपकी जिंदगी में आत्मबल और आत्मशक्ति के सहारे खुशियां भी आएंगी। इन ऑडियो टूल्स का फायदा उठाइए। ये ऑडियो टूल्स वोम गुरु के इसी चैनल पर मौजूद है। इन्हें आप चाहें तो इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें और इन्हें रोज सुनने से निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। लोग इन कार्यक्रमों से फिटनेस बढ़ाने के लिए खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति के मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, एक चेतन और एक अवचेतन। भले ही चेतन मस्तिष्क सब कुछ कंट्रोल करता देखे, लेकिन असली खेल सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मस्तिष्क का होता है। चेतन जिसे जागरूक दिमाग कहा जाता है, लेकिन जागरूक दिमाग खुद कुछ नहीं, ये पूरी तरह अवचेतन दिमाग पर निर्भर है। हम जो सुनते हैं, देखते हैं, वो अवचेतन में इंस्टॉल हो जाता है। विज्ञापनों का संसार भी अवचेतन की प्रोग्रामिंग पर निर्भर है। विज्ञापन दाता सीधे अपने प्रोडक्ट को सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता। फिर हम चाहे रेड लेवल टी हो या लक्स साबुन, एक प्रोडक्ट से चिपके तो जिंदगी भर उसे बदल नहीं पाते। ये एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है जो कब हो गई हमें पता ही नहीं चलता। तो फिर मोटापे से मुक्ति के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मोटापे से जुड़े हुए विचारों को पूरी तरह से त्याग दें, पूरी तरह से इनसे छुटकारा पा लें। और मैं तो कहता हूं कि मोटापे शब्द से ही दूरी बना लें, अपनी कल्पना में, अपनी जुबान में इस शब्द को लाए भी नहीं। उम्मीद है आपकी लाइफ में ये वीडियो जरूर कुछ अच्छे परिवर्तन लाएगा। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल का आइकॉन नहीं दबाते तो आप हमारे नए वीडियोस मिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर भी इम्प्रूव हो तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। लाइक के बटन को दबाकर हमें प्रोत्साहित करें। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप
डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।